फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल गली गली फैशन, और मैं हूँ शनास। बहुत दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे, मुझे डिलीवरीज नहीं मिल रही है, कस्टमर के रिव्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि 25 अक्टूबर से महाराष्ट्र में जिम खुल गए हैं, तो मैंने अपना जिम रूटीन शुरू कर दिया है। उसी की वजह से बॉडी एक टायर्डनेस, थकान और सब कुछ मिक्स था, इसीलिए मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। बट फाइनली आज मैंने सोचा कि मैं अब आज से वापस से अपना कंटिन्यूटी में वीडियो रिव्यूज़ शुरू करती हूँ। तो आज मैं आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चिटचट हो गई, लेट्स गेट ऑन द वीडियो। सो गाइज, आज मैं विंटर फैब्रिक का रिव्यू करने वाली हूँ। विंटर्स आने वाले हैं, अब सारे कलेक्शन विंटर्स के ही आएंगे। विंटर कलेक्शन आएगा, विंटर फैब्रिक आएगा, वॉर्म फैब्रिक आएगा, फ्लीस फैब्रिक आएगा, जैकेट्स आएंगे। सो आगे मेरे जो भी वीडियोस आएंगे अब रिलेटेड टू विंटर कलेक्शन ही होंगे, चाहे मेंस हो या वुमेन्स सेक्शन हो, दोनों सेक्शन में से। सो मैं आपके साथ वो रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। पिछले 2 वीक में मेरे पास काफ़ी सारे ऑर्डर्स आए हैं और काफ़ी सारे न्यू प्रोडक्ट्स भी आए हैं। उनमें से 3 मेन प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि वो कुछ अलग हैं, कुछ हटके हैं। पहला तो है स्वेटर्स, दूसरा है स्वेटशर्ट्स, जो वॉर्म स्वेटशर्ट्स हैं जिसके अंदर फ्लीस है, और तीसरा है टी शर्ट कम स्वेटशर्ट्स। लेकिन ये तीनों का वीडियो मैं एक साथ नहीं बना सकती, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो मैं 3 अलग अलग वीडियोस बनाने वाली हूँ इसके। आज हम करने वाले हैं स्वेटर्स का रिव्यू। मैं आपको बताती हूँ उसकी क्वालिटी, काफ़ी हैवी क्वालिटी है, वुलन फैब्रिक है, काफ़ी वॉर्म भी है, और उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं उसकी अनपैकिंग और फिर उसका रिव्यू। ओके, तो इस पैकिंग में आए हैं वो सारे स्वेटर्स, और बहुत ही टाइट पैकिंग है। सो मैं इसे बहुत ही ध्यान से खोल रही हूँ, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं हाथ से उसे ओपन कर रही हूँ। और ये 1, ये 2, ये 3, ये तीनों अलग अलग कलर के आए हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि चेक कर लेना चाहिए साइजेस एंड पूरा फैब्रिक की कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, डिफेक्टिव नहीं है, और ये मैंने चेक कर लिया है। अब इसे रिव्यू करते हैं। ओके, तो ये 3 स्वेटर्स हैं। मैं आपको कलर्स बता देती हूँ इसके। ये ग्रीन कलर है, इफ यू कैन सी। दूसरा ग्रे एंड ब्लैक है, वो ग्रीन एंड ब्लू था। ये ग्रे एंड ब्लू दिख रहा है या ब्लैक दिख रहा है, आई डोंट नो, बट उसी तरह का कलर है। और थर्ड है मरून, मेन मरून है, मरून। और मेरे हिसाब से ये सारे नेवी ब्लू स्ट्राइप्स के साथ हैं, मरून और नेवी ब्लू, ग्रे, और अगर आप देख रहे हैं इधर ग्रे और नेवी ब्लू है ये, और ये भी जो है ये ग्रीन और नेवी ब्लू है, ऑलिव ग्रीन। बहुत ही अच्छा स्टफ़ है, बहुत ही प्रीमियम स्टफ़ है। अब हम इसे थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये देखिए, इसकी पैकिंग तो मैंने आपको बता ही दी है, ये इस तरह की कैरी बैग में आई है, इस तरह की कैरी बैग में आई है, एकदम ब्रांडेड पैकिंग की तरह, और बहुत थिक है ये ऐसा। एक सेकेंड, ये इस तरह से पूरा ये पैक आया है। ये इसका बैक साथ में ही देख लेते हैं, पूरा प्लेन है। और ये आगे इसके डिज़ाइन है, ये मैं आपको बता दूँ, देख लीजिए इस तरह से पूरा प्रिंटेड है। ये ऐसा ही पिक में था, सेम यही पिक आया था, और इसी तरह का डिज़ाइन था। यहाँ पर भी एक लोगो है इसका। ये इसका नेक है, और ये उसके टैग्स वगैरह सारा कुछ, साइजिंग। और ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है, मैं इसका वेट भी आपको बताऊंगी। आई थिंक ये 650 ग्राम है। सो ये ज़्यादा हैवी है, हैवी है, और स्वेटर है ये। अब मैं इसको क्लोजली, इसके फैब्रिक को आपको दिखाती हूँ। निटेड फैब्रिक है, वुलन है, इफ़ यू कैन सी, आई होप यू कैन सी, इस तरह का फैब्रिक है इसका। ये स्वेटर है, दिस इज़ नॉट अ स्वेटशर्ट के ऊपर से कॉटन दिख रहा है और अंदर से फ्लीस है, इसमें फ्लीस नहीं है, ये वुलन है, और ये स्वेटर है बेसिकली।
ये अंदर से ये स्वेटर है। सो सारे ऐसे ही हैं एंड वेरी प्रीमियम प्रोडक्ट। ओके, मुझे नहीं लगता मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है। फैब्रिक की डिटेलिंग आपने देख ली है। हम जब मैच कर लेते हैं कि जैसा पिक में बताया गया था वैसा आया है या नहीं आया, सो ये सेम एज इट इज़ पिक है। और इसकी क्वालिटी जैसा कि मैंने आपको कहा था, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसका वेट कितना है। उसका पिक भी आप देख लीजिए, उसका जो वज़न है वो 600+ इसका 600+ ग्राम्स इसका वज़न है। सो ये हैवी मटेरियल का है, कोई मतलब ऐसा फेक या फेक स्वेटर या जस्ट दिखने के लिए स्वेटर नहीं है। इट्स ओरिजिनली गुड प्रोडक्ट। और ये दूसरा कलर है इसका, ग्रीन कलर, और ये ग्रे कलर है, एक और ये ग्रे कलर है इसका। सो ये तीन कलर्स थे इस रेंज में और तीनों कलर कस्टमर ने ऑर्डर कर दिए हैं। सो मेरी तरफ से और कस्टमर की तरफ से 10/10। ओके, तो इसी के साथ हम अपने वीडियो के एंड पे पहुंच गए हैं। और यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये सारे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है मेरे पास, मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है इसका। और ये आपको कहीं भी और किसी भी और इंस्टाग्राम पेज पे नहीं मिलेंगे, किसी भी इंस्टाग्राम मेंस पेज पे आपको ये प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। और ये सिर्फ मेरे पेज पे है, मेरे पेज का नाम यहाँ शो हो रहा है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है। आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, मुझे DM कर सकते हैं और प्राइस भी पूछ सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। एज यू नो के स्वेटर्स 1000-1500 की रेंज में आते हैं, लेकिन ये उतने एक्सपेंसिव नहीं है। ये विद इन 800 की रेंज में है ये सारे प्रोडक्ट्स। और इसके साथ मैं और भी दो प्रोडक्ट्स आपको जैसे मैंने बताया था कि मैं शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे अगले दो वीडियो मिस मत कीजिएगा और ज़रूर देखिएगा, तो आपको ज़रूर पसंद आएंगे और आपको गाइडेंस मिलेगा कि इस विंटर की क्या कलेक्शन चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग है और क्या पहनना चाहिए। सो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर बजा देना, ताकि जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। हैप्पी शॉपिंग, keep smiling.